बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या भारत से दुनिया को एक नया सुपर लीडर मिल रहा है? क्या ओबामा जी जिनपिंग और पुतिन जैसी शख्सियतों के बीच नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बड़ी और असरदार शख्सियत बनते जा रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 4 विदेशी यात्राओं के बाद खड़े हुए हैं। मोदी एक के बाद एक विदेशी यात्राओं से परचम लहरा रहे हैं हिंदुस्तान का, विदेशी नेताओं को कायल बना रहे हैं, विदेशी जनता को भी पक्ष में माफ कीजिएगा फैसले करवा रहे हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा। अहमदाबाद से काठमांडू तक, दिल्ली से थिम्पू तक, बरेली से ब्राजीलिया तक, मोदी का नाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में चमकने लगा है। मोदी जहां जा रहे हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, क्या नेता क्या अभिनेता, मोदी की फुर्ती, मोदी का उत्साह, मोदी के बातचीत का अंदाज, मोदी का भाषण, मोदी की गर्मजोशी, उनकी शख्सियत को दुनिया में मशहूर कर रही है। लंबे समय के बाद भारत ने अपने किसी प्रधानमंत्री में ऐसी खूबियां देखी। आमतौर पर ऐसी खूबियां लोग अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों में ही देखा करते थे। मिसाल के तौर पर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हर फल मौला अंदाज, बच्चों से मिलना, डांस करना, एक्सरसाइज करना या सड़क किनारे से बर्गर खरीदना। इसी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पियानो बजाते, झूमते, घुड़सवारी करते, जूडो सिखाते देखा गया है। सोचिए, दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नेपाल से लेकर जापान तक विश्व नेताओं ने मोदी के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी का हर दौरा बेहद सफल रहा। फिर चाहे नेपाल की संसद में भाषण देना हो या जापान के प्रधानमंत्री के साथ मंदिरों का दौरा, हर जगह मोदी को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चाहे नेपाल हो, भूटान हो या जापान, खबरें हैं कि अब मोदी के अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम के लिए लोगों के उत्साह को देखते हुए लॉटरी के जरिए लोगों को जगह दी जाएगी। साफ है, पिछले करीब 3 महीने में मोदी 4 विदेशी दौरे कर चुके हैं और अब तक दर्जनों बड़े फैसले ले चुके हैं, जिसमें खास है नेपाल को $1 अरब की आर्थिक मदद देना, 1950 के भारत नेपाल समझौते पर पुनर्विचार, भूटान से दूध, गेहूं, तेल, दालों के प्रोडक्ट आयात से रोक हटी, भूटान के लिए 4,500 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान, ब्रिक्स देशों के बैंक का ऐलान, बैंक का पहला अध्यक्ष भारत से बनाने का फैसला, जापान से 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश, जापान से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग का वादा, कई भारतीय कंपनियों से जापान ने प्रतिबंध हटाए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में मोदी सरकार के साथ करार करने के लिए होड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि भारत दौरे पर आने वाले चीनी राष्ट्रपति भारत को जापान के मुकाबले सस्ती बुलेट ट्रेन देने की पेशकश कर सकते हैं, साथ ही भारत को जापान से 2 गुना ज्यादा आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी मोदी की मुलाकात में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि पहले भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए दुनिया के नेताओं ने कई प्रोटोकॉल तोड़े हैं, लेकिन हाल फिलहाल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरे देश के लोगों में इतनी लोकप्रियता शायद ही देखी गई, जो इशारा कर रहा है कि मोदी की पहुंच दुनिया के नेताओं के साथ साथ दुनिया के लोगों तक। आज तक ब्यूरो। क्या एक नए सुपर लीडर, एक विश्व लीडर, एक ग्लोबल लीडर के रूप में वो उभर रहे हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पार्थी साथी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अली अनवर जी, जेडीयू के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब, कुछ ही देर में जयनारायण व्यास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ जी पार्थी साथी साहब,
जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, जो लोकप्रियता हम देख रहे हैं, जिस तरह के अंदाज उनके देख रहे हैं, कभी फ्रूट बचाना, कभी टाइको, कभी ड्रम वहां पर बीट करना, क्या एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहे हैं नरेंद्र मोदी? और जो खास तवज्जो कम से कम जापान, चीन, माफ कीजिएगा, नेपाल, भूटान, इन दौरों पर अभी तक मिला है? देखिए, एक चीज हमें समझना चाहिए, अगर किसी को हम ग्लोबल लीडर घोषित करें, हाँ, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना चाहिए कि उस देश जिसके प्रतिनिधि हैं, उस देश को कैसे माना जा रहा है दुनिया में। ठीक है, ठीक है, यू कांट बी अ लीडर विदाउट अ ग्रेट कंट्री। अब भारत की स्थिति देखिए, जब से परमाणु, अब निकट पूर्व में जब से परमाणु परीक्षण हुए, जब से भारत की छवि बदली जी। और अगर आप यूपीए 1 के समय देखें, हाँ, तो आर्थिक विकास की गति बढ़ी, लोग सोचने लगे कि उभरता हुआ देश है, हाँ, विदेश नीति में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थे हमारे स्पेस प्रोग्राम में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, सब हटाए गए। लेकिन अगर आप देखें, जब यूपीए 2 में पहुंचे, जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी, जब सरकार लगता था कि अंदरूनी मामलों से घिरा हुआ है, अंदरूनी मामलों से घिरा हुआ, यही कहूंगा, तब हम उस हमारी वो पोजीशन नहीं रही जिससे हम सहायता दे सकें या समस्याओं का हल कर सकें। देखे जो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के जो एग्रीमेंट है, वो उसे हम सामने नहीं ले जा सके। तो मोदी जी, मैं यह मानूंगा कि आने के और विदेश, भारत में विदेश नीति का मैं इसी से निरंतरता होता है, छोटे से बिंदु पर और परिवर्तन भी, लेकिन परिवर्तन होता है, लेकिन जिस शख्सियत के इर्द गिर्द बात हो रही है, क्या उस शख्सियत के जरिए वो इम्पैक्ट बन पा रहा है? इस पर दो लाइन में जवाब। मेरा कहना यह है, अगर देश के आर्थिक तरक्की के विकास की गति में आगे जाए, सुरक्षा और का मजबूत बने, हाँ, तो जरूर, हाँ, उसके नेता का व्यक्तित्व पहचान ही जाएगा। बिल्कुल। और मीम अफजल साहब, बीते दिन आप भी कायल दिख रहे थे जब आपने भी कहा कि जापान दौरा बहुत अच्छा रहा है, अगर हम न्यूक्लियर डील को जरा अलग कर दें तो, बाकी जिस तरह का निवेश और जो विश्वास, जिस ट्रस्ट की बात बार बार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो बनता हुआ दिख रहा है एक शख्सियत के इर्द गिर्द विदेशों में, मानेंगे ये? अंजना जी, पहली बात तो मैं कहूँगा, जो मैंने बात कही थी उसमें एक बात और ज़रा सी मैं जोड़ना चाहूँगा, हाँ, कि जब मैंने कहा था कि निवेश लाएँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमने नाकामियाँ भी बताई थी। दूसरी बात यह कि मैं ये कहूँगा कि ड्रम बजाने से या बांसुरी बजाने से या किसी दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट में इलेक्शनी भाषण देने से अगर आप समझते हो कि कोई विश्व का नेता बन जाएगा, नेहरू के बराबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी के बराबर हो जाएगा, हो सकता है आगे चलकर, लेकिन मुझे ऐसा कोई परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोकप्रियता दिख जरूर रही हो रहा है कि जिस जगह भी जा रहे हैं, चूंकि मोदी जी की लोकप्रियता दिख रही है उनकी, देख जैसे पिछले दिनों किसी प्रधानमंत्री की नहीं दिखी। मुझे नहीं पता कि जापान में किस किस्म की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं आप। ये तो देखिए, जब दो हेड ऑफ दी स्टेट्स में पार्थसारथी जी उससे ज्यादा सीनियर और बहुत तजर्बेकार आदमी है, ये भी जानते हैं, हाँ, कि जब किसी दो स्टेट्स के हेड ऑफ द स्टेट्स में पहले से दोस्ती होती है, ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और माजी में ऐसा कई बार हुआ जब गुजराल साहब थे, इस तरह के कुछ लोग जिन्होंने जिनके रिश्ते दूसरे कुछ मुल्कों के सरबराहों से अच्छे रहे होते हैं, तो जब वहां जाते हैं तो वहां पर स्वागत भी अच्छा होता है, हाँ, वहां पर ये भी लगता है कि ये पॉपुलर बहुत है। और ऐसा नहीं है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं आप समझते हो इसी तरह, लेकिन इतना मैं कहूंगा, हाँ, कि मोदी जी के अंदर एक क्वालिटी तो है, हाँ, और वो क्वालिटी है कि वो अपने आप को किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, हाँ, वो एक तरह से उनके उनसे ज्यादा शायद अभी तक किसी ने नहीं की। वो काम बहुत थोड़ा करते हैं, उसकी पब्लिसिटी इतनी करते हैं, अच्छा, और खासतौर पर हमारे यहाँ खासतौर पर मीडिया ने जिस तरह उन पर तवज्जो दी है, हाँ, तो उससे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी 5 गुना से 50 गुना हो जाती है, वो दिखाई देती है, मतलब लेकिन जमीन पर क्या वो होती है जनता, ये मैं नहीं कह सकता। नेपाल का जो उनका दौरा था, राहुल गांधी को जब हम दिखाते थे दलित के घर में जाकर खाना खाते जी थे, जी मार्केटिंग की वजह से नहीं जनता में, देखिए दिक्कत क्या ना मीम अफजल साहब, मार्केटिंग से दिक्कत क्या है कि किसी को भी खुश करना मुमकिन नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जितने भी भाषण हम दिखाएं वो कांग्रेसी भूल जाते हैं, ये दिक्कत है।
जब हम उनको दिखाते दलितों के घर में जाकर खाना खाते हुए या सड़कों पर लोगों से फूल माला लेते हुए, तो उसको आप भूल जाते हैं, मोदी जी का याद रह जाता है। मैं जाऊंगी जयनारायण व्यास जी के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उनका ड्रम बजाना बुरा लगा क्या आपको? नहीं, मुझे कोई, आप उससे पूछ रही हैं? बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूँ। मतलब एक अच्छा जेस्चर है? नहीं है, क्योंकि वहां पर हर काम की शुरुआत जापान में से की जाती है। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ये अध्ययन किया, उन्होंने ये सीखा कि यहाँ पर टाइको को, जो ड्रम है वहां का ट्रेडिशनल, इसी से हर शुभ काम की शुरुआत होती है, और ये अगर मैं करूंगा तो एक कॉर्ड स्ट्राइक करूंगा यहाँ के लोगों के साथ, ये एक अच्छा मूव है या नहीं? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, और मुझे ड्रम बनाने पर कोई एतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन इस नतीजे पर पहुंच जाना कुछ एक्शंस को देख करके, कि आप ये कहें कि वो एक इंटरनेशनल नेता बन गए हैं, तो वो मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, जयनारायण व्यास जी, क्योंकि आपने दोनों को सुन लिया, तो मैं चाहती हूं आप मोदी जी का पक्ष रखें। नहीं, देखिए नीम अफजल साहब की मैं जो व्यथा है समझ रहा हूं, मगर अभी अभी हमने धमाकेदार सीरीज जीती है इंग्लैंड में, वनडे सीरीज में जो हमारा सर्वोच्च स्थान था उसके मुताबिक हमने परफॉर्म किया है। तो क्रिकेट मोदी जी को दे दीजिएगा क्या? अगर सिमिली दूं तो आप मुझे माफ करें, कोई भी बैट्समैन जब पवेलियन से चल के क्रीज पर आता है, स्टैंड लेता है और अपने आप में फिर कैसे अपने आप को पेश करता है, वो बैट्समैन के क्लास का आपको पता चलता है। तेंदुलकर की एक स्टाइल है, कोहली की दूसरी स्टाइल है, ब्रेंट डॉन ब्रेडमैन की कोई और स्टाइल थी। आज हम ये देख रहे हैं कि ये देश का नेता जो है वो विदेशों में जाए, उसको ये चिंता नहीं है कि मैं अमेरिका गया हूँ न्यूक्लियर डील के लिए, मुझे बात करनी है, मगर मेरे देश की पार्लियामेंट मेरे साथ रहेगी नहीं, वो जिनको वो भी चिंता नहीं है कि मैं वहाँ विदेश में हूँ और यहाँ मेरे जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ के इंसल्ट कर रहे हैं, वो भी चिंता इनको नहीं है। तो एक तरह से जिस तरह की शुरुआत होती है, हाँ, वो शुरुआत में ही इनको एक काफी, मैं मानता हूँ कि एडेड एडवांटेज या एक स्टार्टअप मिल जाता है। मोदी जी को वो स्टार्टअप मिला है, उसके बारे में मैं नहीं मानता कि किसी को भी ये इसमें कोई संदेह होगा। और जब वो स्टार्टअप किसी को मिल जाता है, जब आप नेपाल जाओ, हाँ आपकी अच्छे अच्छे ताल्लुकात रहे उनके हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ, तो आपकी अच्छी खातर बर्दाश्ती वो करेंगे, मगर वो अच्छी खातर बर्दाश्ती करने में ओबामा से लेके पुतिन और शी जिनपिंग की आप तस्वीर देख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं? हालांकि अभी शुरुआत ही है, भूटान, नेपाल, जापान, लेकिन जिस तरह का उनको रिस्पांस मिल रहा है, और इसीलिए अली अनवर साहब मेरा आपसे ये सवाल कि जापान में भी पहुंचे तो वहां पर लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, अब वहां पर तो लोगों को फिक्स नहीं किया होगा, क्योंकि अभी यूट्यूब ट्विटर का जमाना है, लोग सब देख रहे हैं कि जापानीज में वो ट्वीट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या उनका हिंदुस्तान पर असर है, तो ये तमाम चीजें काम करती हैं विदेश में भी। अली अनवर साहब, अंजना जी, मोदी साहब अभी उगते हुए सूरज हैं और उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। अब दूसरी चीज ये है कि जिस पॉलिसीज को लेकर के वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने यहाँ FDI को लेकर के, अपने यहाँ PPP मोड को लेकर के, वो लिबरलाइजेशन, और पिछली सरकार से लोगों को शिकायत रहती थी जो जो पश्चिमी मुल्क चाहते हैं कि भाई हमारा मार्केट, हमको मार्केट मिले, तो वो उनको जा रहे हैं। और जिन लोगों को लेके अडानी साहब और दूसरे जो सरमायेदार हैं अपने मुल्क के, उन लोगों को भी लेकर के गए हैं, तो एक उन लोगों में बना है उत्साह। लेकिन ओबामा साहब की नकल भी करते हैं और अच्छी नकल कर लेते हैं ओबामा साहब की। ड्रम जो बजाया, मस्ती में बजाया, सबको अच्छा लगा, लेकिन इसका असल टेस्ट तो तब होगा जबकि क्या
जमीन पर क्या वो बातें उतरती हैं, ठीक है, इससे तय होंगी। अभी तो अभी तो समझिए कि चढ़ान है ना। हाँ, चलिए, आपने उगता हुआ सूरज ही कह दिया, आप क्या सूरज की रोशनी से आप दूर चले गए, लेकिन उगता हुआ सूरज आपने कह दिया, लेकिन उगता हुआ सूरज बनने से मनमोहन सिंह को किसने रोका था? ये सवाल है कि मैं उसके उनके पास जाऊंगी अफजल साहब। लेकिन मैं एक चीज मैं साफ कहना चाहता हूँ कि विदेशी अखबार क्या कह रहे हैं, विदेशी सरकार और विदेशी जो कूटनीतिज्ञ हैं क्या कह रहे हैं, वो काफी चिंताजनक हो गए थे जब हमारी आर्थिक विकास की गति इतनी गिरी और भ्रष्टाचार से हम घिरे हो गए। जो मैं पढ़ता हूँ और आप रेटिंग्स एजेंसी जो मूडीज वगैरह निकालते हैं रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट है कि एक किस्म का विश्व मोदी जी के आने के बाद भारत की आर्थिक प्रगति पर एक किस्म का अंतर्राष्ट्रीय विश्वास आ गया है। और बाहर का मीडिया भी अब बाहर के मीडिया ये बहुत कह रहा है कि जो नीतियां ये अपना रही हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम विदेशी निवेश के पूंजा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीन को $300 बिलियन मिला जापान से, तो क्या उनको कुछ बिगड़ा? तो जापान से अगर विदेशी निवेश आए तो साथ टेक्नोलॉजी भी आता है, साथ औद्योगिकरण भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि जापान का जो इनका विजिट रहा बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। बिल्कुल। और जो सार्क पड़ोसी हैं, पहले घबरा रहे थे कि ये किस किस्म के शख्स निकलेंगे, क्या हमारे साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप पाकिस्तान में भी देखें जी, लोग वहां कहते हैं कि ठीक उनका स्थिति बिगड़ा हुआ है, लेकिन भारत आगे जाने के लिए तैयार है। दूसरी बात, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल जो पड़ोसी हैं, वहां छवि बड़ी है। अब रह गया उन्हें, अब अगर आप विश्व के लीडर माना जाना चाहते हैं तो दूसरे लोगों से भी संपर्क होना चाहिए। अभी तो 100 दिन हुए हैं, ओबामा से मिलना है, मर्कल से मिलना है, और जो अरब जगत के लीडर्स हैं उनसे मिलना है। लेकिन इसके साथ एक विदेश नीति में एक बहुत दिलचस्प मोड़ भी दिखता है, क्योंकि उन्होंने एक नया ध्रुव बनाने की कोशिश की है एशिया के इर्द गिर्द। एशिया एक किस्म की निरंतरता है और एक किस्म से तब्दीली भी है। बिल्कुल। और लेकिन लेकिन उस तब्दीली के झंडा बरदार इस वक्त नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। लेकिन लोगों में विश्वास है, चाहे जापान हो चाहे अमेरिका हो, कि अगर इन्होंने ऐलान किया है कि विदेशी पूंजी का स्वागत करेंगे जी, तो उनके पर विश्वास ये है कि ये कदम उठाएंगे। बिल्कुल। और जब वो कहते हैं कि रेड टेपिज्म नहीं रेड कार्पेट, तो शायद उनका भरोसा जग रहा है। यहीं से बहस को आगे लिए चलें। भूटान, नेपाल और जापान, क्या इन सफल दौरों के बाद यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की लोकप्रियता विदेशों में पा रहे हैं, वो एक ग्लोबल लीडर, विश्व लीडर के रूप में उभर रहे हैं? यही वो सवाल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जयनारायण व्यास जी, ये साफ कहना है मीम अफजल साहब और अली अनवर साहब का कि जो शुरुआत यस वी कैन के साथ, यानी ओबामा जी से बहुत प्रभावित हैं, उनकी नकल कर रहे हैं, ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जितने भी ड्रम बजा लें वो विदेशों में, लेकिन जब तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं ओबामा से। देखिए, ये इनकी अपनी सोच है। मैं पार्थसारथी साहब जो कह रहे थे उससे मेरे तर्क को कुछ आगे बढ़ाना चाहूंगा। पार्थसारथी साहब ने बहुत अच्छी भूमिका रखी है और मैं मानता हूं कि बिल्कुल एक सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना है इस पूरी बात को, तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें हम विश्व के नागरिकत्व की बात करते हैं। ये छोड़ दीजिए सब बातें, मोदी जी एक विश्व नागरिक के रूप में कहाँ खड़े हैं? आज ट्विटर की एक वर्ड निकली है, ट्विटोप्लेसी। अब वो डिप्लोमेसी की जगह ट्रिप्लोमेसी में कहाँ खड़े हैं? तो जहां देखिए आप, तो एशिया के वो सबसे अहम यानी नंबर वन ट्विटर पे फॉलोअप किए जाने वाले नेता बन चुके हैं। अब वो आम आदमी ने इनको स्टेटस दिया है, कोई किसी वजह से उनको नहीं मिला। उनके पीछे जो लोग हैं उसमें कई देशों के प्रेसिडेंट भी आते हैं। अगर विश्व की बात करें तो बराक ओबामा और पोप को छोड़कर उनका नंबर आज तीसरे स्थान पे है, और मैं मानता हूं कि ये शुरुआत है, आगे क्रम सुधरता रहेगा। जहां तक हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पे उनके फॉलोअर्स की अगर संख्या देखें तो एक बराक ओबामा को छोड़ के वो दूसरे नंबर पे हैं।
अब ये जो चीजें हैं वो आपको एक तरह से ये बात का पता कराती है कि विश्व में कितने लोग आपसे जुड़ते हैं, कितने लोग आपके बारे में सतर्क हैं, कितने लोग आपको स्वीकृति देते हैं। तो अगर ये एक वैश्विक समुदाय की इस तरह से आपको स्वीकृति प्राप्त है, ठीक है, ये सब उसके बाद भी ये कहना, अरे अभी कितना बड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा है जय नारायण व्यास जी, जिसको ट्विटर का मतलब नहीं पता होगा, आपको भी ट्विटर प्लस ही बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, मुझे भी हो रही है, उस पर जरा बाद में चर्चा कर लेंगे। ओबामा जी से प्रभावित हैं उनकी शख्सियत से? देखिए देखिए वो आने वाला समय है, मगर ये आप इस हिंदुस्तान में कितने लोगों को ट्विटर का पता है उसकी बात करती है। आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने वाले देश की तरफ और इंटरनेट यूज करने वाले देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये कोई छोटी सिद्धि नहीं है इस देश के लिए। ओबामा जी के तो हमारी दुनिया से अगर एक नेता हमारे हैं जो इतने जुड़ते हैं, आप बताइए, नीम अफजल साहब को पूछिए, आप नीम अफजल साहब को पूछिए ना कि राहुल जी या सोनिया जी की कहां है इसमें, कौन सी जगह पे वो खड़े हैं। अफजल साहब जी, मैं जय नारायण व्यास जी को कहूंगा कि हम इस बात के लिए उनको ज़रूर मानते हैं कि उनकी पार्टी और ख़ासतौर पर मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत बार राहुल जी का नाम लेके हमको ताना देते रहते हैं, अगर 15,000 करोड़ रुपया इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसी एक शख्सियत को बनाने के लिए खड़ा किया होता तो शायद सिचुएशन बदल भी सकती थी। मैं आज भी ये मानता हूँ कि आप ट्विटर की बात कर रहे हो, इतना सब करने के बाद भारत की हिस्ट्री में इतना बड़ा कैंपेन कभी नहीं चलाया गया और इतना पैसा कभी नहीं खर्च किया जो आप लोगों ने किया, उसके बावजूद भी आपको देश के अंदर 31% वोट मिला है, 69% लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया है। पॉपुलैरिटी का ग्राफ इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको वोट कितना मिला है, टोटल वोट जो मोदी जी के नाम पर ही मान लीजिए कि मिला है। दूसरी बात ये कि उनकी पॉपुलैरिटी में बाकी सब चीज़ें ठंडी हो गई। बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी के आने से अपोजिशन को बड़ा खतरा है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा खतरा है, हाँ। दूसरी पार्टियों को बड़ा खतरा है। मैं कहता हूँ किसी को खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को है। बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया उन्होंने, अभी वो नेशनल लीडर हैं, अब इंटरनेशनल लीडर ग्लोबल लीडर बनने के लिए उनका पब्लिसिटी कैंपेन शुरू हो गया है, और जिससे आप भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत मुतासिर हैं। और आपके जो शुरू में तबसरा मैंने देखा, जो आपका कमेंट्स आए थे, जो पूरी एक रिपोर्ट दिखाई है, उससे मुझे लगा कि मोदी जी अब ओबामा के बराबर ही होने जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम है, देश दुनिया बहुत बड़ी है, कांग्रेस बहुत, और दिन में दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क नहीं है जहाँ का दौरा किया है। अरे साहब, मैं आपकी, देश में दुनिया में समझती हूँ, अभी कुछ पॉइंटेड सवालों का जवाब दीजिए कुछ पॉइंटेड सवालों का जवाब दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने जानबूझकर कम खर्च किया या आपको किसी ने राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने से रोका था। राहुल गांधी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं, पीछे भागते रहते हैं, आप लोग खींच खींच कर आगे लाते हैं। दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया था, क्या मनमोहन सिंह साहब को हमेशा ये नहीं लगा रहता था कि अगर मैं बहुत ही फ्लैम्बॉयंट होके बहुत ही करिश्माई शख्सियत के साथ विदेशों में दिखूंगा तो कहीं यहाँ पर जो 10 जनपद की डोर है वो कहीं टाइट ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर शायद कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी युवा है, ट्विटर पर आने से उन्हें कौन रोकता है? क्यों नहीं वो एक ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, ट्विटर पर लोगों से क्यों नहीं इंटरेक्ट करते हैं? नीम अफजल साहब इसके अलावा एक और भी मुद्दा है, आप ध्यान में रख लीजिए, आगे चल के काम आएगा। एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि इफ यू वॉन्ट टू फिनिश बैड प्रोडक्ट अर्ली, एडवर्टाइज इट। आपने भी वो दलित बेटी के घर रहने का, खाने का काफी जश्न वो किया था आपने, चलेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली व्हेन द प्रोडक्ट इज बैड वो पब्लिसिटी से नहीं चलती है। साहब जवाब दीजिए अफजल साहब, फिर अन्य लोगों के पास जाएंगे। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि आज आप सारी बातें कह सकते हैं और आपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में यही सब बातें की हैं, लेकिन आज हम इख्तदार से बाहर हैं, आज आप इख्तदार के अंदर हैं, आज आपका असेसमेंट है, हमारा असेसमेंट नहीं है। हमारा असेसमेंट मैंने देखा, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जब इनकी कभी किसी दुखती रख पर हाथ रखिए तो ये फरमाते हैं आपके दौर में ऐसा हुआ था। गोया हमारे देश में, हमारे जमाने में अगर कोई भी ऐसा काम हुआ था जिसको पसंद नहीं किया गया तो उसका सर्टिफिकेट इनको मिल गया है करने का। तो ये मेरा ख्याल है तरीका नहीं है सरकार चलाने का।
सरकार चलाने का तरीका यह है, अभी तक हम, मैं तो आपको कह रहा हूं बार बार, फॉरेन नीति फॉरेन पॉलिसी भी आप उसी पर चल रहे हो। सुषमा जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, हमारे भारत की जो विदेश नीति है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर उसी के हिसाब से चल रहे हैं तो कौन सी नई बात हो गई? पर्सनैलिटी का फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी पर्सनैलिटी का फर्क देश के अंदर भी पड़ा है, बाहर भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका असर होगा। लेकिन जब जब दूसरे देशों में जाकर देश की नीतियां नहीं बदला, दूसरे देशों में जाकर वो नहीं, नीतियां तो नहीं बदलती हैं, वो तो आप, वो तो सुषमा जी ने कह दिया, आप क्या कहेंगे कि नीतियां नहीं बदल रहे हैं? तो आपने कौन सा तीर मारा है वो जरा बता दे। गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म इन कंटिन्यूम। नीम अफजल साहब, पारसार्थी साहब हैं, पारसार्थी साहब हैं हमारे साथ, आप उठ लीजिए कि सरकारें बदल दी है उसके साथ सब पूरा देश उलट पुलट नहीं हो जाता। सबसे पहले कूद गए थे पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। 2013 में हमने कह दिया था कि नो टेररिज्म नो टॉक, आपने कहा नहीं हम बातचीत करेंगे। आपने प्रधानमंत्री को बुला लिया, न्योता दे दिया, वो आपने कहा बहुत बड़ी राजनीति शुरू की है। अब आपने जब बातचीत बंद कर दी तो आप कह रहे हैं ये भी बड़ी राजनीति है। पता नहीं पहली वाली राजनीति बड़ी थी कि आज वाली राजनीति। और अभी तीन मुल्कों का दौरा हुआ है, अभी बहुत सारे, इनको रोकिए तब ना। ये जो उगता सूरज है, ये उगता सूरज पैसे भी बहुत ला रहा है निवेश के तौर पर, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, जैसा पार्थसारथी साहब कह रहे हैं। इससे पहले भी जब बुलेट के लिए गए थे मनमोहन सिंह साहब तो पैसे दिए थे, लेकिन वो 70 करोड़ के आसपास की रकम तो बूंद बराबर थी इस 2,10,000 करोड़। निवेश चाहिए हिंदुस्तान को, मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बनाना है तो आप ये बार बार अडानी साहब का नाम ले लेकर ये चार लोगों गए थे और पैसा विदेशों से ला रहे हैं और पश्चिमी देशों से, ये सब नहीं काम आएगा। हिंदुस्तान को निवेश चाहिए। नहीं अंजना जी, हाँ अंजना जी ठीक है, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको चाहिए, उनके पास टेक्नोलॉजी है तो उनको उसके लिए मार्केट चाहिए ही। ये गया है बाजार, अपने उठ करके गया है तो विक्रेता के पास, अच्छी बात है, चलिए। लेकिन आप ये बताइए अंजना जी कि अहमदाबाद से और बंबई तक 60,000 करोड़ और एक आदमी जो 500 किलोमीटर सफर करेगा तो 6,000 रुपया उसको किराया लगेगा, तो ये किनके लिए बात कर रहे हैं? ये जो करोड़पति अरबपति खरबपति हैं उन्हीं की ना बात है, कोई बात इसमें नहीं। आम लोग कहाँ आते तब हैं? तो हवाई और जहाज, सुन लीजिए, आम लोग भी रोक दें साहब, हवाई जहाज भी रोक दें, मैडम दिल्ली टू पटना आम लोग, आम लोग आकलन करेंगे अंजना जी, आम लोग आकलन करेंगे अपने परिवेश से, अपनी जरूरत के मुताबिक सरकारों के बारे में धारणा बनाते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने, ठीक है आप कह रही हैं कि विश्व नेता बन जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी भाई, देश विदेश में जा करके, लेकिन कितना ओछी और हल्की बात वहां करके आए हैं, इसकी चर्चा भी तो होनी चाहिए। आपने ठीक है गीता का दिया, गीता पर फक्र है तमाम हिंदुस्तानियों को, वो किसी एक मजहब की किताब नहीं है, लेकिन वो गीता देने के बाद जो टिप्पणी किए हैं सेकुलरिज्म पर, तो इतनी ओछी बात प्राइम मिनिस्टर को विदेश में जाकर के करने से क्या छवि बनती है? व्यास साहब जल्दी से रिस्पोंड कीजिए, फिर मैं चलिए ये सर, नहीं सुन लीजिए, ये तो आधा बात हुई ना, ये आधा बात हुई, इसके जरिए पूरी कीजिए जल्दी से सर, पूरा कर लें हम, हाँ जल्दी पूरा कर लें। हाँ हम ये कह रहे हैं कि जिस गीता के जरिए वो हिंदुत्व और हिंदू का ये पेश करना चाहते हैं, एक देना चाहते हैं, छोंक लगाना चाहते हैं उसका तड़का बना करके, हाँ। तो उस गीता में ना हिंदू शब्द है ना हिंदुत्व है, ना वेद में है ना पुराण में है ना उपनिषद में है, तो वहां भी जा करके ये यहाँ के मतदाता को तो इतना बेवकूफ समझ रहे हैं मोदी जी, हिंदुस्तान के मतदाता को सब लोग समझते हैं। देखिए पहली बात तो अकबर साहब को यह समझना होगा कि यह शब्द कहां से आया। यह शब्द इतिहास से जुड़ता है, वो वेद और पुराण से कम जुड़ता है। दूसरी बात, हमने हमेशा कहा है कि एक जीवन पद्धति है, एक जीवन फलसूफी है, ये कोई रिलीजन नहीं, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बहस भटक जाएगी हमारी, बहस बिल्कुल भटक जाएगी, जो सबसे अच्छा रखो सबको, बहस बहस भटक जाएगी, आप प्रार्थना करो सब जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, ये जो निवेश को लेकर जो नजरिया यहाँ दिख रहा है कि ठीक है क्या इस तरह से बात करना?
कि मार्केट बाजार गया है, खुद उठकर गया है। हो सकता है रिटेल के बारे में हाँ। लेकिन जो औद्योगिकीकरण के लिए निवेश आ रहा है इसकी कौन आपत्ति रख सकता है? चीन कैसे बना, जापान कैसे आगे आया, कोरिया कैसे आ गया? इसी क्योंकि विदेशी निवेश औद्योगिकरण के लिए टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बिल्कुल, और वो तकनीक हमें दे रहा है जापान। और दूसरी बात ये है मुझे हाँ। कहना कि जहाँ तक मैंने विदेशी अखबारों में पढ़ा है जी, जहाँ तक विदेश से सूचनाएं आ रही हैं और जो हमारे डिप्लोमैट से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि विदेश में ये विश्वास बढ़ गया है कि इस नेतृत्व के साथ भारत के विकास की गति बढ़ेगी। और विश्वास और वो अगर भारत एक शांतिपूर्ण देश है हाँ। और अगर विकास बढ़े हाँ। तो लोग दुनिया में खुश रहेंगे हाँ। तो अगर इनका व्यक्तित्व पेश हो रहा है इसलिए हो रहा है हाँ। ना कि ट्विटर, बल्कि लोगों में एक किस्म का भरोसा आ गया है दुनिया भर में कि विकास की गति बढ़ रही है और भारत अगर तरक्की करे तो दुनिया के लिए अच्छी विश्वास से विश्व जीता जा सकता है और विकास की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये सवाल हमने आज तक के दर्शकों से पूछा था। आज तक हल्ला बोल देखने वाले 96% जनता ये मानती है कि मोदी की पहचान एक विश्व नेता की बन रही है। इस पर रिस्पॉन्स लेते हैं सीधे नेताओं से। मीम अफजल साहब, ठीक है आपका, अगर ये आपने ये सर्वे कहाँ कराया, कैसे कराया, मुझे नहीं मालूम। ये हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों से हम एसएमएस के जरिए 2 घंटे में मैसेज मांगते हैं, हाँ या ना। जी जी जी, अच्छा अच्छा, शुक्रिया बहुत। ठीक है, अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है तो देखिए, आने वाला वक्त बताएगा कि इतने बड़े नेता बनेंगे। अभी सिर्फ 3 देशों का दौरा हुआ है, बाकी बहुत सारे देशों में जाना है, हम देखेंगे वहाँ पर क्या होता है रिस्पॉन्स। अनवर साहब, उगता हुआ सूरज। जी जी जी, नहीं देखिए, लोग बड़ा नेता जिसको मानने लगते हैं, आप जैसा कि बता रही हैं, तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं उनसे। तो आज का जो युवा पीढ़ी है जो ट्वीट कर रहा है, तो वो बहुत उसके अंदर धैर्य नहीं है, 10 साल 5 साल नहीं, और उसको मैडम रोजगार चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं जिसमें कि 5,000 या 10,000 लोगों को मिले और 50,000 लोगों की छटनी हो जाए। तो ये हर नीति देश काल की परिस्थिति को देखते हुए अपने देश में जो FDI लाइएगा तो वो तो आ ही रहा है, फिर चीन को भी देख लीजिए, चीन ड्रम की आवाज बजाने की चीन तक गई है और चीन के भी कान खड़े होंगे, चीन का सटा हुआ है, जापान दूर है और हमारे मित्र कुछ कह रहे थे। जल्दी से व्यास साहब, एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आज, इतने खुश आप कभी नहीं दिखे मुझे टीवी डिबेट में। देखिए, नहीं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मगर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि इनको क्या खराब होना है उसके असर पहले आते हैं। युवा पीढ़ी जैसे भारत की मूर्ख है, उसको पता नहीं चलता, उसकी अपेक्षाएं काफी बड़ी बढ़ जाती है। जापान में जाके इन्होंने चीन को नाराज कर दिया, यानी वो उनके वो तलाश में जब उनके घर सिवैया पकेगी, जब चाइना से कुछ हमारे ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, क्या बात है? कुछ तो एक चेंज के लिए तो आप कुछ पॉजिटिव सोचे। अच्छा हुआ है, अब जिस जो अच्छा हुआ, अच्छी शुरुआत हुई है, देश हमारा है प्रधानमंत्री जी। इसी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है आपको जय नारायण व्यास जी, इस वक्त की कमी है, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ कम से कम देश आगे बढ़ता हुआ है, निवेश के नजरिए से अच्छी दिख रही है तस्वीर, लेकिन इसको इस तरह से कायम रख पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी इस तरह से मिले जुले लोगों से शायद लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ेगी और देश के अंदर उनका दबदबा भी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अब दबदबे की बात आती है तो हमेशा बीजेपी के अन्य नेताओं की बात याद आ जाती है, लेकिन बहरहाल इस बहस का अंत यहीं पर करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक।